हेलो दोस्तों, मैं राहुल गौतम डू इट नाउ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैमरा फेस करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। हम सभी एक यूट्यूबर बन सकते हैं, सभी एक यूट्यूब अकाउंट बना सकते हैं। तरह तरह की वीडियो आती रहती हैं, आप लोग देख करके ये आसानी से सीख सकते हो। और आज के टाइम है ना, ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि वीडियो कैसे बनाई जाए। तो मैं आप लोगों को ये सब नहीं बताऊंगा कि वीडियो कैसे बनाओ, कि वीडियो अपलोड कैसे करो, ये करो वो करो। सबसे मेन प्रॉब्लम यही आती है आदमी की कि कैमरा फेस कैसे किया जाए और कंटेंट कैसे बनाया जाए। कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जो बूढ़े लोग ये नहीं कहते थे भाई गुड़ डालोगे तो मीठा होएगा। तो गुड़ क्या है, अपने पास कंटेंट है। आज के टाइम कंटेंट डालोगे तभी लोग देखेंगे, कंटेंट ही नहीं डालोगे तो लोग देखेंगे कैसे। तो मेरी भी आप वीडियो में देख चुके हो कि पिछले कुछ महीनों से मैं कंटेंट ही नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने वेडिंग के काम में इतना बिजी था कि मैं मेरे को टाइम ही नहीं था कि कंटेंट डालूँ, काम से डालूँ। ब्लॉगिंग करने का कोई टाइम ही नहीं था कि ये चैनल मैंने ब्लॉग के लिए बनाया था कि मैं यहाँ वहाँ घूम के और वीडियो डालता रहूँगा, जगह जगह के बारे में ऐसे बताता रहूँगा कि हाँ यहाँ पर आप लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ घूमना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए। मतलब एज ए ब्लॉगर, मतलब ब्लॉगिंग आप लोग उस टाइप से। तो लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाई। तो मैं आप लोगों को बस यही बताने जा रहा था आज कि अपने अंदर से डर निकालो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। अगर अपने अंदर डर है तो वो कुछ नहीं कर सकता, और डर निकल गया तो आदमी सब कुछ कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि दिन में एक दो बार अपना वैसे ही कैमरा खोल के देख लो। अपलोड मत करो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अच्छी लगे तो अपलोड करो, नहीं लगे तो मत करो। आपके फ़ोन में से तो कोई नहीं देख सकता ना। आदमी के अंदर पहला डर क्या रहता है कि यार मेरी वीडियो कोई देखेगा तो कैसी लगेगी, ये होगा वो। अरे इसी बात को छोड़ दो, बस देखेगा तो अच्छी लगेगी, नहीं देखा तो कैसे अच्छी लगेगी। और देखेगा तो 10 बंदे देखेंगे, 5 को नहीं पसंद आएगी, 5 को पसंद आएगी, 5 भी ये लगा लो थोड़ी सी देख के रह जाएंगे, उनमें से 2 बंदे तो ऐसे होंगे जो तेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। मतलब कुल मिला के ये है कि वीडियो डाल, देखा जाएगा जो होगा। ये मत सोच कि क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। वीडियो को डालना है तो डालना है। और कैमरे के सामने अगर आप आंखों से आंखें मिला के बात करोगे तो आपके मन में गट्स पैदा होगा, जिससे आप कहीं भी जाके किसी प्लेटफॉर्म पर आप बोल सकते हो। तो आज मैं बस इतना ही बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा लेक्चर देने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप लोग अंडरस्टूड है इस मामले में। लेकिन मैं बस इतना ही बताना चाह रहा था कि डर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपके मन में डर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। डर को निकालो और डाल दो वीडियो, जो होगा देखा जाएगा। देसी है कैसी भी, कोई कौन देख रहा है यार, यहाँ ढेरों लाखों वीडियो पड़ी हुई हैं। मतलब कोई कैसी वीडियो डाल रहा है, कोई किसी कॉपी डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। आप एक बार डाल के तो देखो, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं भाई, दोबारा से कोशिश करेंगे। कोशिश ही कर सकता आदमी। कितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, 4 बार तो उन्होंने रीटेक लिया है। ठीक है, तो आप वीडियो डालने की कोशिश करो। थैंक यू, आप लोगों ने ये वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।